अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जा रही हूँ पिकनिक पे, और आज की जो जगह है वो उसका इंतखाब किया है मेरी फ्रेंड ने। इसे कहते हैं जुगूर गोल। गोल के अंदर जाके नाला, जुगूर गोल यानी कि नाला है बहुत बड़ा, और इस नाले के अंदर जाके बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, और जो पानी आप देख रहे हैं ये बहुत ऊपर ग्लेशियर से आता है, बहुत ही ठंडा और साफ पानी है। तो आज मैं अपनी बचपन की सहेलियों को लेके, अपने स्कूल फ्रेंड्स को लेके, हम लोगों ने पिकनिक प्लान किया, उस पिकनिक पर जा रहे हैं हम लोग। तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना एक दिन हम खुद के लिए निकालें, सारा वक्त तो हमारा फैमिली के लिए होता है। तो आज हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर गायें भी एक्साइटेड थी मेरे साथ पोज देने के लिए। तो बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। ये नाला देखने में जितना खूबसूरत लगता है ना, उतना ख़तरनाक भी है, क्योंकि जब मानसून की बारिशें होती हैं तो इन नालों में, चतराल जो है वो बहुत ही वल्नरेबल एरिया जिसको तसव्वुर किया जाता है, जहाँ पे हर जगह पे सैलाब का ख़तरा होता है, फ्लश फ्लड स्पेशली। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सैलाब आज से कुछ साल पहले इस नाले में आया था, जिसमें दो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो उस सैलाब में बह के फौत हो गए थे। आप देख सकते हैं इस नाले के किनारों पे लोगों के घर भी हैं, लोग बसते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी रिस्की एरिया है, जब इस तरह गर्मियों में बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो ये लोग सेफ साइड पे मूव कर जाते हैं यहाँ से। तो जितना यहाँ पे आप खूबसूरती देखेंगे, उतने ही यहाँ की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी दर्दनाक है। ऐसे हादसात हुए हैं गुज़श्ता सालों में जिसमें लोगों के घर बह गए हैं, लोगों की जानें गई हैं। चित्राल में जितने भी नाले हैं उनके पीछे एक कहानी है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी स्टोरीज़ भी हैं जिनको सुन के काफ़ी डर लगता है। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था और इसीलिए घूमने फिरने का मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। बहुत ही अच्छी ठंडी सी हवा चल रही थी, और चूंकि जगह भी बहुत खूबसूरत है, इस नाले के इर्द गिर्द जो है इसके किनारों पर ये खूबसूरत घास आप देख सकते हैं, खुली जगह है, दरख्त हैं, साया है, पानी है, और क्या चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी चलने के बाद इधर आके हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर फ्रेश। जी, अब चलते चलते हम पहुँचे हैं यहाँ पे। यहाँ जो रास्ता है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो मैंने आज अपने साथ चप्पल नहीं लिए थे, प्लास्टिक चप्पल लेने चाहिए थे। यहाँ आके मुझे अफसोस हुआ कि गलत डिसीजन था, मैं वैसे ही पहन के आई थी सैंडल्स, तो वह उनके साथ ही मैं चली गई। मैंने कहा सैंडल्स दोबारा आएंगे, ये लम्हा, ये मोमेंट फिर नहीं आएगा, ये ठंडा पानी फिर नहीं मिलेगा। तो पानी के अंदर से ही, वैसे ही मुझे पानी बहुत पसंद है, तो पानी के अंदर मैं ऐसे ही जूतों समेत चल के गई यहाँ पे। और कोई रास्ता था नहीं, नीचे जो नाला है वो काफ़ी गहरा है, उसका पानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो वाटरफॉल का पानी है वो आ रहा है। यहाँ पर हमारी फ्रेंड की चप्पल भी चली गई थी पानी के साथ, तो उसके पीछे वो भाग रही थी। तो ये देखें जी, क्या खूबसूरत झरना है, और इतनी ऊंचाई से ये बह रहा था ना। इसके पास हम लोग ज़्यादा क्लोज भी नहीं गए थे, यहाँ जहाँ से मैं शूट करूँ यहाँ तक पानी की छींटें पड़ रही थी, इतना खूबसूरत और इतना ठंडा पानी। पाँव बिल्कुल जम गए थे इसके अंदर। देखें, बिल्कुल क्लियर पानी है, नीचे सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ सकती हैं, जितने भी पत्थर है, इवन लकड़ी का तिनका भी नज़र आ रहा था, इतना क्लियर पानी था ये। और फ्रेंड्स, जहरा की खुशी तो मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। तो पानी ठंडा था इसलिए आगे नहीं जा पाई, वापस भाग के आ गई, तो इसको मैंने उठा के पार कराया। लेकिन इस तरह बच्चों के लिए एक टाइम निकालना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वो लोग खुश होते हैं ऐसी जगहों पे जाके, बहुत कुछ उनको एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो ये पहाड़ी भी आप देखें, पूरा पथरीला पहाड़ है, लेकिन इसके ऊपर भी इतना सब्जा है, घास वगैरह उगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत।
तो फ्रेंड्स, झरने से थोड़ा आगे आते ही ये खूबसूरत सी जगह थी जहाँ पे दरख्तों का साया भी था, बड़े बड़े पत्थर थे उनका साया, टेक लगा के बैठने की जगह थी। हमने सोचा कि यहाँ पे अपना डेरा डाल दिया जाए, और हमारी जो फ्रेंड है उसका घर यहाँ नज़दीक था, तो उसने अपने घर से कालीन वगैरह बैठने के लिए और बर्तन खाना पकाने, क्यों आज हम लोग इरादा कर आए थे कि हम कुकिंग भी उधर ही करेंगे, तो यहाँ हमने अपना डेरा जमा लिया है भाई। इधर बैठ के हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ही हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा अंगीठी बनी हुई थी, हमसे पहले भी कोई इधर आया होगा पिकनिक मनाने के लिए। तो वैसे हमारी फ्रेंड बता रही थी ये है भी पिकनिक पॉइंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं पिकनिक मनाने। तो बर्तन उसने अपने घर से मंगवाए थे, हमारी कढ़ाई आ गई थी, हमारा केटल आ गया था चाय बनाने के लिए, और दूध, देसी दूध, और बहुत सारी चीज़ें कुछ हम घर से भी पका के लेके गए थे, और बाकी जो चीज़ें थी वो हमने सोचा इधर ही। लकड़ियाँ काफ़ी सारी थी इस जगह पे, खुश्क लकड़ियाँ नीचे गिरी पड़ी थी, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी लकड़ियाँ यहाँ पे जमा की। सबसे पहले बहुत मज़ा आया मुझे, लिटरली मैंने बहुत इंजॉय किया था ये दिन। लकड़ियाँ हो गई थी मेरे पास भी, मेरे फ्रेंड्स के पास भी, तो हम लोगों ने बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की थी। और ये पानी आप देखें, ये भी ऊपर झरने से आता है, इतना ठंडा, इतना मीठा और इतना साफ पानी था ना, मैं बता नहीं सकती भाई। ये पर्सनली बंदा इधर आके इन चीज़ों को देखे ना, तब उसको इस चीज़ की खूबसूरती का उसको एहसास होगा। तो अपना केटल में लेके पानी लेने आई थी, क्योंकि मुझे बनाना था चाय, तो यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि चाय मैं बनाऊंगी, और जो कढ़ाई थी वो मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं बनाऊंगी, तो मैंने कहा चलो मैं अपना चाय बना लेती हूँ, ज़हरा मेरे पीछे पीछे लकड़ियाँ जमा करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी लकड़ियाँ हमारी जमा हो गई थी, और आग जलाया हुआ था मेरी फ्रेंड ने पहले ही, तो मैं पानी लेके आई थी, तो थक गए थे तो सोचा कि पहले चाय बना के पी ली जाए, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी चाय के साथ, तो वो हम लोगों ने चाय के साथ हम लोगों ने खाया। आग पे आप खाना बनाएं उसका मज़ा ही और होता है भाई, आग के ऊपर, अंगीठी के ऊपर। चाय के साथ मेरी फ्रेंड लेके आई थी छेरा शापिक घर से बना के, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी सर, ये हमारी चाय देसी दूध वाली, और साथ में स्पेगेटी बना के लेके गई थी। तो चाय शाय पीने के बाद यहाँ पे आके जो मेरी फ्रेंड थी वो अपनी कढ़ाई की तैयारी कर रही थी, नाले के पास बैठ के गोश्त काटना। इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ही सामने खूबसूरत नज़ारा, बच्चे भी थे हमारे साथ, मेरी फ्रेंड के बच्चे थे, मैं सिर्फ ज़हरा को लेके गई थी, फैज़ान को लेके ऐसी जगह पे जाना मैंने सेफ़ नहीं समझा, क्योंकि वो छोटा है, गिर जाता पानी में, और पानी का वैसे भी उसको बहुत ज़्यादा शौक है, पानी देख के वो खुद को रोक ही नहीं पाता। कढ़ाई तो मेरी फ्रेंड बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी जाए, क्योंकि वो गोश्त उधर काट के बना रही थी, तो बस थोड़ा सा मैंने उसकी हेल्प, थोड़ी सी हेल्प की है उसकी, बाकी सारा कुछ उसने खुद किया था। ये चीज़ें हम अपने साथ लेके गए थे, ये बे लीव्स थी जो मेरे फ्रेंड ने अपने घर में उगाए हैं, और नींबू वगैरह चटपटा खाने का सबको शौक है, तो ये सब करने के बाद हमारी फ्रेंड ने अपने भांजे को बुलाया था हमारे लिए सितार बजाने, तो बहुत ही अच्छा उसने सितार बजाया, आप लोग भी धुन एंजॉय करें।
दिए। प्रेजेंटिंग नमक बंडी वाली कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, और साथ में सैलड वगैरह हम लोगों ने बनाया था, बोतल्स मंगवाए थे, और ज़हरा तो बहुत मज़े लेके खा रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी खाना बना था, दही के साथ सलाद और कढ़ाई और रोटियां और पता नहीं क्या कुछ। यही पे ख़त्म नहीं होती बात। इसके बाद हमारे लिए हमारे जो दोस्त थे उसके घर से आया था तूत, और तूत के साथ भेजी थी उन्होंने लस्सी। तो भाई ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन ना, ये स्लीपिंग पिल्स का काम करते हैं। ये आप एक साथ तूत और तूत के साथ लस्सी पियेंगे ना, गहरी नींद आप सो जाएंगे। यहाँ पे हमने अपने फ्रूट्स पानी में रखे थे तो गायों ने हमला किया, लेकिन शुक्र है बचा लिया हमने। हमारे खरबूजे और आम रखे हुए थे तो वो बच गए। तूत हमने खाया, तूत खाने के बाद बहुत ज़बरदस्त थी, हमें नींद आ गई, काफ़ी थकावट भी हो गई थी, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपना जो सेटअप था वो उठाया, सारी चीज़ें वाइंड अप की, इधर आग जो जलाया था उस पर पानी डाल के उसको हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ से हमने अपना रखते सफ़र बांध लिया घर की तरफ। दोबारा से आए हम उस झरने पे, यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, बहुत ज़्यादा कूलिंग हमने ले ली, इतनी कूलिंग आ रही थी ना यहाँ से, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और वो छींटे पड़ रही थी झरने के, बहुत ही ज़बरदस्त। आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से आने के बाद गला पूरा बैठा हुआ था और थोड़ा सा बुखार भी चढ़ गया था, सबको चढ़ गया था, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और हम लोग पानी में ज़्यादा हम लोग चल फिर रहे थे पानी में, तो उसकी वजह से तबीयत थोड़ी हमारी ख़राब हो गई, थोड़ा सा हम डाउन हो गए। लेकिन जाके जो मज़ा हमें आया वो मतलब पैसा वसूल वाली बात हम उसके आगे ये तबीयत ख़राब होना कोई मैटर नहीं करता। कुछ रिश्ते और लम्हे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी का सरमाया होते हैं, और जब कभी ज़िंदगी आपको उन रिश्तों से दोबारा मिलवाती है तो फिर वो लम्हे अमर हो जाते हैं। तो आज का दिन बिल्कुल वैसा ही था, बहुत सारी यादें हम लोगों ने ताज़ा की, बहुत सारी चीज़ें हमने, ज़िंदगी के तजुर्बात हमने एक दूसरे के साथ शेयर की, और एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब लेके जा रहे हैं, पूरी एनर्जी लेके जा रहे हैं, रिचार्ज होके जा रहे हैं। अगर आगे से फिर से मौका मिला मैं तो पीरियोडिकली ये चीज़ें प्लान करूँगी आज के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बहुत ही यादगार दिन आज का गुजरा। अपने आस पड़ोस के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग भी लो फील करते हैं ना कभी कभार, तो भी जाए बाहर, दिन में एंजॉय करें अपनी लाइफ।